हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल द एडुमेट पर। बच्चों, आज इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा तीसरी की परिवेश अध्ययन की पुस्तिका झरोखा से पाठ नंबर 17, जीवन के रंग मिट्टी के संग से कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न, जो आपकी सेट की परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो आइए देखें। प्रश्न नंबर 1, बर्तन बनाने के लिए किस प्रकार की मिट्टी का प्रयोग किया जाता है? बालू मिट्टी, चूना मिट्टी, चिकनी मिट्टी या इनमें से कोई नहीं? बच्चों, इसका सही उत्तर है गह भाग चिकनी मिट्टी। बर्तन बनाने के लिए चिकनी मिट्टी का प्रयोग किया जाता है। अगला है प्रश्न नंबर 2, मिट्टी के बर्तन बनाने में प्रयुक्त चाक का आकार कैसा होता है? गोलाकार, चपटा, षटकोणीय या टेढ़ा मेढ़ा? और इसका सही उत्तर है क, गोलाकार। अगला है प्रश्न नंबर 3, सबसे पहले मानव ने कैसे बर्तन बनाए? पत्थर व मिट्टी के, धातु के, चीनी मिट्टी के या प्लास्टिक के? बच्चों, इसका सही उत्तर है क भाग पत्थर व मिट्टी के। प्रश्न नंबर 4, कुठला क्या होता है? दूध डालने का बर्तन, अनाज रखने का बर्तन, बाजार से सामान लाने का बर्तन या इनमें से कोई नहीं? बच्चों, इसका सही उत्तर है ख, अनाज रखने का बर्तन। कुठला अनाज रखने का बर्तन होता है। अगला है प्रश्न नंबर 5, मिट्टी के बर्तनों को सुखाने के बाद मजबूत कैसे बनाया जाता है? रंग कर, पका कर, गीला करके या चमका कर? और इसका सही उत्तर है ख, पका कर। प्रश्न नंबर 6, बहुत पहले अनाज रखने में काम आता था टंकी, ड्रम, मिट्टी का कुठला या बांस की टोकरी? बच्चों, इसका सही उत्तर है ग, मिट्टी का कुठला, वह अनाज रखने के काम आता था। तो बच्चों, ये थे पाठ नंबर 17, जीवन के रंग मिट्टी के संग से महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न। सभी बच्चे इन प्रश्नों को रिवाइज करें, इस वीडियो को लाइक तथा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।